रहे हैं आप 99 न्यूज एचडी और मैं हूं सुबल जाय। हम खबरों से आपको आगाह करते हैं और आपको बताते हैं अहम खबर शामिल करते हैं। कराची पर खामोश कब्जा जारी, मुजाहिद कॉलोनी को मस्मार करवाने वाले डॉक्टर आसिम ने हजारों खानदानों की छत छीन ली। मजे जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे सैयद कौसर इकबाल से। जी बताइएगा। जी, अमीर वडेरों ने ताकत के तौर पे बस्ती मुजाहिद कॉलोनी कराची को आंसुओं में तब्दील कर दिया। सिंध हुकूमत के चहेते डॉक्टर आसिम जरदारी के खास दोस्तों में से एक हैं। अवामी वोट पर हुकूमत बनाने वालों ने इस आवाम को घर से बेघर कर दिया। जरदारी दोस्ती निभाने और पैसे के आवेश में इतने अंधे हो गए कि डॉक्टर आसिम को फ्री हैंड दे डाला। ये टूटे हुए घर फलस्तीनी बस्ती के नहीं बल्कि मुजाहिद कॉलोनी नाजमाबाद के हैं। इन्हें इसराइल ने मस्मार नहीं किया बल्कि जरदारी के दोस्त जियाउद्दीन अस्पताल के मालिक डॉक्टर आसिम ने इशारों पर मस्मार किया और मुसलसल मस्मार किया जा रहा है। मगर अफसोस, आपने किसी टीवी चैनल पे इसकी खबर या कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों है? हाँ, चैनल मालकान तक करप्ट हैं, रेट अलग अलग है, इसलिए मुजाहिद कॉलोनी में इतनी बड़ी बस्ती उजाड़ देने वाली बस्ती के खिलाफ एक खबर तक न चली। घरों को गिराने वाले दौलत की तिजोरियों के मालिक थे और जिनके घर उजाड़ दिए गए वो वोट देने वाली आवाम थी। इसके पास मीडिया को देने के लिए लिफाफा नहीं था। मीडिया ताकतवर और मालदार डॉक्टर आसिम से लिफाफे लेकर खामोशी का मुजाहरा किया। सरदारी को चाहिए कि आवाम को बेघर न करे। अगर घरों को मस्मार करने वाली मछली को ना रोका गया तो फिर सोच लें कि अगली बार कराची तो क्या सिंध से भी सीट नहीं मिलेगी। नौजवान आपको वोट भी नहीं देंगे और अंदर खाते और भी बहुत कुछ है, मैं बोलना नहीं चाहता। सैयद कौसर इकबाल, पाक 99 न्यूज़, कराची।